गाइस, अभी हम आ चुके हैं पत्नीटॉप पार्क में। तो मैंने ये प्यारा सा शॉल खरीदा जिसको ये ऐसे फर फर सी लगी है। मैंने इतने ज़्यादा कपड़े डालेंगे क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा और बारिश भी पड़ रही है। पीछे वॉकिंग कर रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं ऊपर, चलते हैं। हाँ जी, सो हे गाइस, अभी हम आए हैं पार्क में पत्नीटॉप में और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है और नथरराम में आज पड़ रही है बर्फ, क्योंकि वहाँ पे दिखा रहा है टेम्परेचर माइनस में। और वैसे भी आज रेन एंड स्नो दिखाई है और हम डेफिनेटली आज स्नो देखेंगे यहाँ पे। मैं सांस फूल रही है क्योंकि हम इतना ज़्यादा नीचे से चल के जाता कहीं ठंड लगती इधर की ठंड लगनी भाई साहब, बर्फ आ गई यहाँ पे, स्नोफॉल आ गए, देखते हैं भैया देखने वाले। तो फाइनली हमारा वेट बर्थ हिट रहा, हम 2 बजे तक वेट करते रहे और अभी जाके बारिश आ चुकी है। टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हम भी जस्ट अभी बाहर निकलेंगे गीला होने के लिए। और यहाँ पे यस पढ़ने दो यार, बर्फ बारिश के साथ साथ स्नोफॉल, यस यस अभी हमारे पास पहुंच चुकी है बर्फ। यार अभी स्टार्ट हुआ ना, पढ़ने दो यार। यार मेरी फुल मेरी बड़ी है, वो पड़ रही है ना, वो भी नहीं पड़ेगी फिर कहीं, बारिश कहीं नहीं पड़ेगी। क्या हुआ बाद में, ये बंद हो जाएगी, सिर्फ बर्फ पड़ेगी है ना, सुख सुख उल्ला बना के फिर। यार इधर कोई भी नहीं है, तो बर्फ देखनी है, मैं बर्फ देखनी है, लोग देखते हैं भाई साहब बर्फ यहाँ पे पड़ रही है, बर्फ शायद दादी बनी हुई है ये। सो गाइस आज स्नो फॉल हो रहा है, जिंदगी में पहली बार देखे। और ये देखो यहाँ पे जम रही है ये बर्फ कोनी पे इस तरह से, ये देखो छोटे छोटे ड्रॉपलेट यहाँ पे पड़ रहे हैं नीचे जम रहे हैं। एक फोटो लेना उधर, चलो तो ये बात अच्छी बड़े ही तबल है ना, नहीं नहीं ऐसे बर्फ का बोल रही हूं मेरा नहीं हम बहुत। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बर्फ में, वाओ ये मेरे को अपना यार आंखा करने स्केटिंग स्वेच चादर पे भी क्यों देने पैसे लगने थे, पैसे लगने पैसे लगने बाबा। बर्फ पड़ भी रही है, आहो रोड को ये बहन जी स्नो ही स्नो। अभी कल हम इस जगह पे आए थे मतलब नथा टॉप में, कल बिल्कुल भी स्नो नहीं थी बट आज स्नोफॉल है क्योंकि आज ही दिखाया था स्नोफॉल तो आज ही हो रहा है। वाह कितना ज़्यादा मतलब वाइट वाइट हो रहा है, देखो उधर हम पूरा नीचे उधर तक घूम के आए हैं, फोटोज वगैरह लिए हैं, वीडियो बनाई है, बहुत मज़ा आ गया यार। जिंदगी में पहली बार मैंने स्नोफॉल देखा, स्नोफॉल मस्त होता है यार, नज़ारे ही आ गए जिंदगी के, तो इतना मज़ा आ रहा है। ठंड है वैसे, चलने से क्या होता है, अभी हम चल के आए ना दूर से थोड़ी, तो चलने से ये है कि थोड़ी हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, तो ऐसे अगर खड़े रहो एक जगह फोटो फोटो खींचो उससे क्या होता है ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल जम जाते हैं। तो चलो अभी हम प्रिया और खिंचवा रहे हैं अभी फ़ोटो, उनके पास चलते हैं। देखो मेरे पास स्नो पड़ रही है, क्या पूरी वाइट वाइट होगी और मेरा ये भाई यहाँ पे फुल स्नोफॉल हो रहा है।
क्योंकि पहली बार देख रहे हैं जम्मू रहते हुए, जम्मू कश्मीर में रहते हुए तब भी पहली बार स्नोफॉल देख रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बर्फ पड़ रही है यहाँ पे, जबरदस्त। देखो लोग यहाँ पे, कितना टूरिस्ट आया हुआ है भाई, अनगिनत टूरिस्ट है। और हाथ ऐसे जम रहे हैं बिल्कुल, पर जो व्यू है ना उसके सामने ठंड कुछ नहीं है, कुछ ठंड नहीं है भाई। मेरे कवर कुछ छिड़िया फोन दा, वाओ ए हां फोन द कवर तो भाई साहब ये देखो फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नो। लोग वहां पे उतनी दूर तक चढ़े हुए हैं, हम नहीं जा सकते वहां पे कि टाइम नहीं है हमारे पास। सॉफ्ट बर्फ है ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत ऐसे रुई की तरह है, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट। ये देखो ये मज़ा है पहाड़ों का, पहाड़ों का असली मज़ा यही है। वो खड़ी हमारी गाड़ी, ये बीच में स्नोफॉल हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है पर हो रही है और अच्छी है। उधर भी बड़ी सही आया है सुना, वो पीछे रास्ते में जाते ना, क्या पता वहाँ पे जाम ना हो, गाड़ी लगे ना लगे, क्या अच्छा यहाँ पे फोटो फोटो ले लेते हैं। वो कह रहा था फोटो ले लिया हम, ये देखो ना वही तो कह रहा हूँ, फोटो ले आ जाता आते जाते यू एंजॉय हो जाएगा। और क्या थोड़ा ये हमारी कश्मीरन, कश्मीरन